युवाओं को सेवा दल से जोड़ेगी कांग्रेस। पीसीसी दफ्तर में आज होगी सेवा दल की बैठक, जहां बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी शामिल होंगे। बैठक में सभी जिलाध्यक्ष को शामिल होने के लिए निर्देश दिया गया है। ग्रामीण अंचल पर भी सेवा दल की नजर है। सेवा दल से लोगों को जोड़ने का चलेगा अभियान। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एमपी में युवाओं को सेवा दल से जोड़ेगी कांग्रेस, यानी कि सेवा दल से ज्यादा युवाओं को जोड़ने की बात कही जा रही है। और इस दौरान पीसीसी दफ्तर में आज सेवा दल की बैठक होगी। बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी शामिल होंगे। बैठक में सभी जिलाध्यक्ष को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण अंचल पर भी सेवा दल की नजर। सेवा दल से लोगों को जोड़ने का चलेगा अभियान। और संवाददाता शैलेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, युवाओं को सेवा दल से जोड़ने का कांग्रेस अब अभियान चलाएगी, क्या है पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान शुरू कर रही है, बीजेपी ने 1.5 करोड़ सदस्यों को बनाने का लक्ष्य रखा, जिसमें 25 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा, उसी तर्ज पर अब कांग्रेस भी सेवा दल में अपने सदस्य जोड़ने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने वाली है। और आज उसकी अहम बैठक है, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ये बैठक लेंगे। निश्चित ही सेवा दल कांग्रेस का एक ऐसा संगठन है जहां पर युवाओं को जोड़ा जाता है और सेवा के काम किए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच जाकर काम करना, जो सामाजिक काम होते हैं, जो सामाजिक संस्थाएँ करती है, लोगों की मदद करना। तो कांग्रेस एक अलग पैटर्न पर चल रही है। जीतू पटवारी ने फैसला लिया है कि सेवा दल के ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए जाए और युवाओं को जोड़ा जाए। तो एक बड़ा अभियान कांग्रेस शुरू कर रही है मध्य प्रदेश में, और उसका भी लक्ष्य है कि 10 लाख ऐसे युवा सदस्य जोड़े जाएं जो सेवा दल में हो और हर जिले में जाकर काम करें। अगर किसी तरह का कोई सामाजिक घटना भी होती है या जो भी वॉलंटियर्स के काम है वो जाकर यह सेवा दल करता है। अगर सेवा दल की बात की जाए तो ये पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के समय का संगठन है और लंबे समय से कांग्रेस में सेवा का काम करता सेवा दल आ रहा है और एक इसकी अलग परंपरा है। उसी सेवा दल को वापस से जागरूक किया जा रहा है, उसको में जान फूंकी जा रही है। तो जीतू पटवारी ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में हर जिले में लाखों लोग इससे जोड़े जाएं जो कांग्रेस के लिए काम करें, सेवा दल का काम करें, जनता के बीच जाके उनकी मदद करें। तो आज उसकी जो बैठक है उसमें सभी प्रमुख नेता शामिल होंगे, सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है, जिला अध्यक्ष होंगे सेवा दल के, और ज्यादा से ज्यादा नए सदस्य बनाए जाए, किस तरीके से बनाया जाए, इस सब को लेकर आज महत्वपूर्ण चर्चा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से तमाम चर्चाएं कांग्रेस कार्यालय में होने वाली हैं। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सेवा दल से जुड़ने का काम किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। शुक्रवार तक दिल्ली में रहने का कार्यक्रम है। कल मध्य प्रदेश उत्सव का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश भवन में होगा मध्य प्रदेश उत्सव और इसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और आप ये देखें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दिल्ली का दौरा है और शुक्रवार देर शाम ही वे भोपाल भी वापस लौट आएंगे। और इस बार दिल्ली में रहने के कार्यक्रम के दौरान कल मध्य प्रदेश उत्सव का शुभारंभ होगा और मध्य प्रदेश भवन में मध्य प्रदेश उत्सव का शुभारंभ होगा, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे सीएम साय। जहां छत्तीसगढ़ खेल अलंकरण समारोह, सीएम साय प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। 97 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। साल 2021-22 और 2022-23 के लिए 97 खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा। बड़ी जानकारी है, जहां प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आज छत्तीसगढ़ खेल अलंकरण समारोह, सीएम साय प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। 97 खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। साल 2021-22 और 2022-23 के लिए 97 खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे। मुंबई से अयोध्या के लिए आज से चलेगी स्पेशल ट्रेन। भोपाल इटारसी और बीना स्टेशन पर रुकेगी ट्रेन। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से रात 10:30 बजे रवाना होगी ट्रेन। दोपहर 1 बजे इटारसी, 4 बजे भोपाल, 7:18 पर बीना पहुंचेगी ट्रेन। स्पेशल ट्रेन तीसरे दिन सुबह 9:30 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी।
और इस तरीके से ट्रेन का जो पूरा रूट है वो तय कर दिया गया है। मुंबई से अयोध्या के लिए आज से ट्रेन स्पेशल ट्रेन चलने की शुरुआत हो रही है, जहां पर भोपाल इटारसी और बिना स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रात 10:30 बजे ये ट्रेन रवाना होगी और तमाम इलाके जो स्टेशन है वहाँ से होते हुए अयोध्या कैंट पहुँचेगी। तीसरे दिन 9:30 बजे ये अयोध्या कैंट पहुँच जाएगी। जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। तंगधार में 1, माछिल में 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। इलाके में अभी भी आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जम्मू कश्मीर में 3 जगह आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। राजौरी में भी 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बल ने घेर लिया है। बड़ी जानकारी है जम्मू कश्मीर से, जहां कुपवाड़ा मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। तंगधार में 1, माछिल में 2 आतंकी मार गिराए गए। इलाके में अब भी आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जम्मू कश्मीर में 3 जगह आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। राजौरी में भी 2-3 आतंकियों को सुरक्षा बल ने घेर लिया है। बड़ी जानकारी है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तंगधार में 1, माछिल में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। तो इलाके में अभी भी आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर में 3 जगह आतंकियों से मुठभेड़ की गई, जहां राजौरी में भी 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बल ने घेर लिया है और लगातार सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, आप अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, कई आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि कुछ और आतंकी छुपे हुए हैं। निश्चित तौर पर देखिए, आतंकियों के छुपे होने की अभी भी आशंका है, लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए उस पूरे इलाके को पूरा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। उस इलाके में कहां कहां आतंकी हो सकते हैं या कहां कहां छुपे हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और जिस तरह से इंडियन भारतीय सेना के जवानों को इस मामले की जानकारी मिली थी कि इस इलाके में टेरिस्ट हो सकते हैं, और जब तक वो फायरिंग करते उसके बाद जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की गई, और सबसे पहले जो तकरीबन 7:45 बजे के लगभग में 2 टेररिस्ट जो है उसको मार गिराया गया। और मार्शल सेक्टर की अगर करें, इस इलाके की अगर बात करें, तो ये वही इलाका है जहां पर पिछले कुछ समय पहले आतंकियों ने यहां पर एक बड़े वारदात को अंजाम दिया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले की पुख्ता जानकारी थी कि इस इलाके में आज आतंकी आ सकते हैं, और तमाम मामलों की जानकारी मिलने के बाद ही इस इलाके में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और कहा जा सकता है कि थोड़ी देर के बाद इस मामले में औपचारिक तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस की और इसके साथ साथ इंडियन आर्मी की जो टीम है वो इस मामले में औपचारिक तौर पर भी बताए कि कितने आतंकियों की को मार गिराया गया है, और उससे संबंधित तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शंकर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, सारंगढ़ से खबर है, ठगी के शिकार लोगों को वापस मिलेंगे पैसे। ठग शिवा साहू से लोगों को वापस पैसे मिलेंगे। ठगी के शिकार हुए लोग 6 सितंबर तक सरसीवा थाने में जमा कर सकते हैं आवेदन। करोड़ों रुपए की ठगी करने के बाद फरार चल रहा था शिवा साहू। पुलिस ने शिवा साहू को 19 जून को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया था। शिवा साहू की गिरफ्तारी के बाद लोगों को जमा किए पैसे मिलेंगे वापस। क्रिप्टो करेंसी शेयर मार्केट के नाम पर लोगों से इसने करोड़ों रुपए वसूले थे और अब इसे धर दबोचा गया है। जितने लोग ठगी का शिकार हुए थे उन सभी के पैसे वापस किए जाएंगे। संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए हैं। योगेश, ये बहुत बड़ी खुशखबरी उन तमाम लोगों के लिए जिनके लाखों रुपए मेहनत की कमाई के फंस गए थे शिवा साहू के चक्कर में। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो पुलिस है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के पुलिस, उसने बहुत अच्छी मुहिम की है कि जो लोग ठगी का शिकार हुए हैं, शिवा साहू जो चर्चित नाम था कुछ महीने पहले, जो लोगों को ये ठगी करता था कि आपके पैसे डबल होंगे, क्रिप्टो करेंसी शेयर मार्केट के लालच देकर कई लोगों से इन्होंने ठगी की, जो पैसे हैं वो अपने पास जमा की थी। करोड़ों रुपए पुलिस ने सीज भी किए हैं, उनके दस्तावेज मिले, कई गाड़ियां भी मिली थी, काफी पॉपुलर भी हो चुका था शिवा साहू। जिसके बाद जब इसकी ठगी के शिकार लोग हुए तो उन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस जब इसके पास पहुंची
तो शिवा साहू कई महीने से फरार कर रहे थे। हालांकि इससे कई साथियों को जब पुलिस ने पकड़ा तो शिवा साहू रायपुर राजधानी से गिरफ्तार हुआ और पुलिस ने जिन जिन लोगों को शिवा साहू ने ठगा था या जिन जिन लोग ठगी का शिकार हुए हैं शिवा साहू केस में उनको लेकर पुलिस ने एक अच्छी मुहिम बनाई है कि 6 सितंबर तक जो सारंग और बिलाईगढ़ जिले के सीमा थाना है वहां पर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं, जिसके बाद जो पैसा वापसी के लिए जो पुलिस है वो चालान के लिए अंतिम दिन है और उसके बाद आवेदन जमा करने के संबंध में एसपी ऑफिस और आला अधिकारी के साथ मीटिंग होगी। और वहीं आपको बता दें 10 सितंबर के आसपास इसके जो आवेदन है उस चालान जो कोर्ट में जमा किया जाएगा। चालानी कार्रवाई से पहले जितने भी जो व्यक्ति है जो ठगी का शिकार हुए पैसे वापसी के लिए उनके आवेदन जो प्राप्त होंगे उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि पूरे मामले पर अब जो अपडेट हो 6 सितंबर के बाद पता चल पाएगी कितने लोग इसमें आवेदन जमा करते हैं कि कितने लोग इसमें ठगी का शिकार हुए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए योगेश। और इस तरीके से अब ठगी के शिकार लोगों को वापस उनके पैसे मिल जाएंगे और इसके लिए आपको आवेदन देना होगा, पूरी गिनती होगी और प्रूफ के साथ पैसे वापस मिल जाएंगे। खबर दुर्ग से, जहां भिलाई चरोदा मेयर सहित 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिना अनुमति प्रदर्शन करने और हड़दंग में शामिल होने का आरोप लगा है। कांग्रेसियों ने मंगलवार को सिरसा गेट पर किया था धरना प्रदर्शन। थाने के घेराव के दौरान पुलिस ने किया था लाठीचार्ज और पुलिस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में 3 जवान घायल हुए थे। भिलाई 3 थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर दुर्ग से है, जहां भिलाई चरौदा मेयर सहित 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, पूरा मामला बताइए, तकरीबन 150 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जी बिल्कुल, करीब 150 लोग हैं जिनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें मुख्य रूप से जो भिलाई 3 चरोदा के जो मेयर है उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है। ये पूरा मामला कांग्रेस के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। मंगलवार को कांग्रेस ने एक प्रदर्शन किया था जिसमें भूपेश बघेल जो एक्स सीएम है उनके साथ में जो बदसलूकी हुई थी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही थी। लेकिन उसी दौरान जब वो थाना घेरने के लिए पहुंच रहे थे उसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज करके उनको खदेड़ा था। इस कार्यकर्ताओं के साथ मुठभेड़ में पुलिस के जवान भी घायल हुए थे। करीब 3 जवानों को चोट लगी थी जिनको अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा था। इस पूरे मामले में जब जांच की गई तो ये पता चला कि उनको अनुमति ही नहीं दी गई थी कि वो धरना प्रदर्शन करें। बावजूद इसके वे धरना प्रदर्शन और ना सिर्फ धरना प्रदर्शन किए बल्कि थाने का घेराव भी करने जा रहे थे। तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 150 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। खबर छतरपुर से, जहां शहजाद अली को लेकर खानकाह पहुंची है पुलिस। कड़ी सुरक्षा बीच खानकाह लेकर पुलिस पहुंची हुई है, जहां शहजाद की मौजूदगी में खानकाह की तलाशी ली गई और खानकाह से पुलिस ने जब्त किए अहम दस्तावेज। कोतवाली कांड से जुड़े दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। नया मोहल्ला स्थित खानकाह में बैठकर हाजी शहजाद अली खुद की अदालत चलाता था। समाज के लोगों के विवादों को खानकाह में अपनी अदालत लगाकर न्याय करता था। साथ ही वो जो तंजीम जिस समिति का मेंबर था उस समिति के कार्यालय भी गई थी पुलिस, तो वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त हुए हैं और आगे इन्वेस्टिगेशन। किस तरीके के दस्तावेज जब्त हुए सर और क्या क्या जब्त हुआ? ये पुलिस कई पहलुओं पे जांच कर रही है और कई दस्तावेज जब्त हुए हैं और कुछ दस्तावेज और नोटिस लेके भी उनसे मांगे जाएंगे सरकार, तो आगे की कार्रवाई। नर्सिंग मान्यता फर्जीवाड़े मामले में जनहित याचिका के साथ ही सभी नर्सिंग मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच में हुई है। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस सचल कुमार पालीवाल की विशेष पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में इंडियन नर्सिंग काउंसिल की ओर से मौखिक रूप से कोर्ट को बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांतों के अनुक्रम में और सत्र 2024-25 की मान्यता प्रक्रिया शुरू होने के कारण अब सत्र 2023-24 की मान्यता और प्रवेश के लिए घोषित की गई कट ऑफ डेट नहीं बढ़ाई जा सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने काउंसिल को इस जवाब को लिखित में पेश करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। कहा है कि वो अगली तिथि सुनवाई की तिथि के पहले लिखित में अपना जवाब हाईकोर्ट में पेश करें और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई 5 सितंबर को करेगा। उसके बाद ही सत्र 23-24 के भविष्य के संबंध में कोई निर्णय होगा। कुछ नोटिस भी
नहीं, आईएनसी को इसमें पक्षकार बनाया है और आईएनसी से ही उन्होंने लिखित में जवाब पेश करने के लिए। बुरहानपुर में नगर निगम का साधारण सम्मेलन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सम्मेलन में एक भी प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। विपक्षी पार्षद पहले महापौर से भिड़े और उसके बाद निगम आयुक्त से भिड़ गए। इस दौरान विपक्षी पार्षद और आयुक्त में बहस हो गई। महापौर को डरपोक कहने के बाद महापौर सहित सत्तापक्ष बीजेपी पार्षदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। लंच ब्रेक के बाद सिर्फ विपक्षी पार्षदों की मौजूदगी में ही सभा हुई। सत्तापक्ष के पार्षदों की कुर्सियां खाली पड़ी रही। महापौर माधुरी पटेल और पार्षद उबेद शेख ने एक दूसरे पर सदन का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। बहुत सारे मुद्दे शहर के, जिसमें महापौर और प्रशासन मध्य प्रदेश शासन दोनों की ही किरकिरी होना थी। बहुत सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे, बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं जिसके अंदर आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। उन सब मुद्दों से बचने के लिए एक खेल रचा गया। महापौर के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग किया, एक बार नहीं हुआ, ये तीन बार हुआ। और सदन में विधायक प्रतिनिधि के बारे में भी उन्होंने अपशब्द कहा। जैसे मेरी सभी पार्षद बहनों ने और सभी भाइयों ने ये कहा कि उन्हें माफी मांग ले, हम सदन चलाने के लिए तैयार हैं। जी, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ले एक दिवसीय प्रवास पर शहडोल पहुंचे और इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक ली। वहीं भाजपा कार्यालय में पहुंचकर विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ भी चर्चा की गई। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक के दौरान डिप्टी सीएम और प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल उमरिया से शहडोल और रीवा से शहडोल हाईवे के निर्माण में देरी को लेकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन दोनों मार्गों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा कराएं। अधिकारी इस कार्य को प्राथमिकता से लें और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। उन प्रयासों में यदि कोई कमी है तो उसके लिए अभी हमने कलेक्ट्रेट में जनप्रतिनिधियों के साथ, हमारे विधायकगण के साथ, कमिश्नर आईजी से लेके कलेक्टर और सभी विभागों के अधिकारियों के साथ आज एक प्रारंभिक बैठक की है। हमने अपनी प्राथमिकताएं बता दी हैं और अगली बार जब आएंगे तो विस्तार से योजनाओं पर समीक्षा होगी। लेकिन आज की बैठक के बाद अधिकारियों को ये समझ में आ गया है कि हमारी प्राथमिकता क्या है और उन प्राथमिकताओं पर वो काम करना आप शुरू कर देंगे। खबर भोपाल से, जहां पर एमपी सरकार ने बनाई नई पॉलिसी, बंद पड़ी स्वाइस टेस्टिंग लैब चलाएंगे युवा उद्यमी। 265 स्वाइल टेस्टिंग लैब चलाएंगे युवा उद्यमी। 3 साल तक सैंपलिंग खर्च में मिलेगा सहयोग। और स्टाफ की कमी से बंद हो गई थी लैब और लेकिन अब एक बार फिर से जो युवा उद्यमी है वो इसे फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं और 3 साल तक इनको खर्च मिलेगा, सैंपलिंग खर्च में मिलेगा सहयोग। स्टाफ की कमी के चलते ये बंद हो गई थी लेकिन एक बार फिर से इसको शुरू किया जाएगा। खबर भोपाल से, जहां पर एमपी सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है, बंद पड़ी सॉइल टेस्टिंग लैब को एक बार फिर से युवा उद्यमी चलाने की कोशिश करेंगे। सीधी में पहचान छिपाकर रह रहे एक बांग्लादेशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बांग्लादेशी मुस्लिम युवक के खिलाफ पुलिस ने 3 अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पकड़े गए बांग्लादेशी युवक, जिसका नाम रुहुल आमीन है, एटीएस और आईबी सहित कई सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की। पूछताछ में रुहुल आमीन ने बड़ा खुलासा किया। रुहुल आमीन ने पुलिस को बताया कि वो कोलकाता के रास्ते भारत में घुसा था और पिछले कई साल से सीधी जिले में रह रहा था।